देखेंगे बच्चों, आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम CBSE में कॉपियाँ कैसे चेक होती हैं उस पूरे प्रोसेस को समझेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ दिखाया भी जाए। तो अब यहाँ पे हम ये समझेंगे कि CBSE में कितनी बार कॉपी चेक होती है किसी भी एक स्टूडेंट्स की, और अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो क्या उसको कुछ नंबर दे के या कुछ खुद से ही कुछ उसको नंबर प्रोवाइड कर दिए जाएँ जिससे कि वो पास हो जाए, तो क्या ऐसा किया जाता है। और फिर इसमें ये भी जानेंगे कि जो आपके काफ़ी तेज़ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पूरे ही नंबर आ रहे हैं तो उनका कभी कभी ज़बरदस्ती एक नंबर काट लिया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट होंगे, कॉपियाँ कितनी बार चेक होंगी ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझेंगे। तो ये वीडियो जो है आप सभी लोगों को देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि CBSE में कैसे कॉपी चेक होती हैं। कभी कभी आपके एक दो नंबर कम आ जाते हैं तो उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं, क्या आपकी कॉपी अच्छे से चेक नहीं हुई है, और आपको ये भी जानना चाहिए कि आपको रीचेकिंग का फॉर्म कब डालना चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी आपके लिए। तो सबसे पहले ज़रा हम ये समझते हैं कि CBSE में कॉपी कैसे चेक होती हैं, और इस प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कुछ दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो आपका सेंटर है जहाँ मुझे कॉपी चेक करने जाना है वो DPS लोनी जो कि आपका गाज़ियाबाद में है वहाँ पड़ा हुआ है। तो फिर मैं वहाँ जाके कॉपियों को चेक करूँगा और यहाँ पे मुझे हेड चेकर बनाया गया है। तो मेरा काम होगा जो एग्ज़ामिनर होंगे वो कॉपियाँ जब चेक करेंगे तो उसमें से मुझे 20% कॉपी को रीचेक करना होगा कि कॉपियाँ सही से चेक हुई हैं या नहीं हुई हैं। और तो जैसा कि बच्चों आपने देखा कॉपी चेकिंग होते हुए, तो बेसिकली वीडियो बनाना वहाँ पे अभी सही नहीं था क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं होता, वो तो मैं लेट पहुँचा था इस वजह से मैंने थोड़े बहुत आपको व्यूज़ दिखा दिए। बेसिकली अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कॉपी चेक होती हैं, और यहाँ पे ये भी समझना है कि अगर आपके कुछ नंबर कम हैं तो आपको क्या रीचेकिंग का फॉर्म जो है डलवाना चाहिए या नहीं डलवाना चाहिए, और फिर रीचेकिंग में क्या आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल आपके रीचेकिंग में मार्क्स कम भी हो सकते हैं, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, ये है कॉपी चेकिंग का प्रोसेस। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स का काम, यहाँ पे तीन कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसमें अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। एक कोऑर्डिनेटर का काम होता है कि वो कॉपियों को जो कि रोल नंबर वाइज आई हुई हैं जो तीन सेटों में हैं उन जो कॉपियों के बंडल्स को ओपन करना और उसमें कॉपी जो सेट नंबर ए, सेट नंबर टू, सेट नंबर थ्री को कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना, और फिर उसको जो आपके AHEs हैं और मतलब ये आपके हेड चेकर्स होते हैं तो इन हेड चेकर्स सेट ए, सेट टू, सेट थ्री के हेड चेकर्स को वो कॉपी प्रोवाइड कर देना। अब जैसे ही मतलब ये तो फर्स्ट आपका जो कोऑर्डिनेटर है उनका काम है। सेकंड कोऑर्डिनेटर्स का काम होता है कि जब ये कॉपी चेक होकर आएंगी तो फिर इनको उनको लगाना और उनको वही रोल नंबर वाइज दोबारा अरेंज कर लेना। और जबकि एक थर्ड आपके जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे अब उनका काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो जो AHE जो हैं उनसे कॉपी को रिसीव करेंगे और एक बार चेक भी कर लेंगे कि कॉपियां सही से चेक हुई हैं या नहीं हुई हैं। अब AHE जो है वो अपनी टीम, यहाँ पे टीम बन जाएंगी आपकी। मान लीजिए छः एग्ज़ामिनर आपके सेट एक को, एक ही कॉपी को चेक कर रहे हैं, छः एग्ज़ामिनर जो हैं सेट टू की कॉपी को चेक कर रहे हैं और सिक्स एग्ज़ामिनर जो हैं वो आपकी सेट थ्री की कॉपी को चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे छः छः लोगों की एक टीम बन चुकी है। तो AHE जो है हेड चेकर जो है आपका जो कॉपियाँ जो है उनको इशू कराएगा, कॉपियाँ देगा चेक करने के लिए इन छः एग्ज़ामिनरों को। मान लीजिए 20-20 कॉपियाँ देगा और इन एग्ज़ामिनरों के पेयर बना दिए जाएंगे, जैसे 1 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 का 6 के साथ। अब जैसे ये 20 कॉपियाँ अपनी चेक करेगा, 20 कॉपियाँ अपनी चेक करेगा 1 और 2, तो इनकी कॉपी को रीचेक भी इन लोगों को आपस में करना होगा। ऐसी इन दोनों की कॉपियाँ आपस में ये दोनों रीचेक करेंगे, ठीक है, कि कॉपियाँ सही से चेक हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो इसे हम क्रॉस चेकिंग बोलते हैं, और क्रॉस चेकिंग जो है आपकी
इन सभी लोगों को करना ज़रूरी होगा और अच्छे से भी करना ज़रूरी होगा। जब कॉपी क्रॉस चेक हो जाएंगी तो क्रॉस चेक होने के बाद ये कॉपियाँ जो हैं आपके AHE के पास पहुँचेंगी और AHE फिर यहाँ पे लगभग 20% कॉपीज को रेंडमली कहीं से भी उठाकर चेक कर सकता है कि कॉपियाँ अच्छे से चेक हुई हैं या नहीं चेक हुई हैं। अगर तो ऐसे ही AHE जो 2 होगा, जो सेट 2 की कॉपी को इशू कराएगा, एग्जामिनरों को देगा, एग्जामिनरों से कॉपी चेक कराएगा और फिर उसमें आने वाले वेरिएशंस को नोटिस करेगा और फिर वो CBSE को भेजेगा। ऐसी सेट 3 की कॉपियाँ भी ऐसे ही चेक होती हैं। तो यहाँ पे पहले जो आपके जो कोऑर्डिनेटर्स हैं AHE हैं और आपके एग्जामिनर हैं, इन सबको स्टार्टिंग में जिस दिन फर्स्ट डे होता है सभी को एक कॉपी जो है निकाल कर दे दी जाती है और उस एक कॉपी की फ़ोटोकॉपी करा ली जाती है और वो फ़ोटोकॉपी जो हैं आपकी सभी टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं और उसके बाद में उस कॉपी को सबको चेक करना होता है और चेक करने के बाद ये देखना होता है कि यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने हैं, किस चेकर की जो वेरिएशन है ज़्यादा है, किसकी वेरिएशन कम है, कौन लूज़ चेक कर रहा है तो कौन स्टिक चेक कर रहा है। जो लूज़ चेक कर रहा है तो उसको बता दिया जाता है कि भैया आप लूज़ चेक कर रहे हो, इसे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दीजिए, और जो आपका स्टिक चेक कर रहा है तो उसको तो खासकर बोल ही दिया जाता है कि आपको बच्चे के फेवर में भी थोड़ी सी चेकिंग करनी ज़रूरी है, तो आपको थोड़ी सी लूज़ चेक करनी होगी। तो इस वजह से वो जो आपकी एक कॉपी की जो चेकिंग है, क्या पता वो आपकी ही कॉपी आए तो आप उस कॉपी को कई बार चेक किया जाएगा और उस पर्सन को एक जो आपका एवरेज मार्क्स आएंगे मॉक टेस्ट के, इसे मॉक टेस्टिंग कहते हैं, तो अब यहाँ पे जो एवरेज मार्क्स आएंगे वो उस स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे। तो हो सकता है कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट्स आ जाए जिसकी कॉपी जो है मॉक टेस्टिंग में आ जाए, तो वो कॉपी जो है सभी एग्जामिनरों के द्वारा, कोऑर्डिनेटर्स के द्वारा, AHE के द्वारा, सभी के द्वारा चेक होगी और सबसे अच्छे से चेक होगी। तो इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सपोज़ डैट आपके मार्क्स जो हैं थोड़े से आगे पीछे आ जाएँ, 2-4 नंबर का वेरिएशन हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे 2-4 नंबर कम या ज़्यादा हैं, तो क्या आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए डलवानी चाहिए? तो देखिए, अगर आप रीचेकिंग के लिए कॉपी को डलवाते हैं तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं, और ख़ासकर उन बच्चों को रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए जो बस जस्ट लाइन पर पास हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इस साल फिजिक्स का 35 का पेपर था क्योंकि 2 टर्म में एग्ज़ाम हुए, तो 35 में से 12 नंबर वाला स्टूडेंट्स पास था। अगर आपके 12 या 13 नंबर ही आए हुए हैं, जस्ट लाइन पे ही पास हुए हैं आप, तो आपको कभी भी रीचेकिंग के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपके मार्क्स कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे तो आप फिर फेल भी हो सकते हैं। तो रीचेकिंग के लिए उन स्टूडेंट्स को जाना चाहिए जिनमें वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा है। और रीचेकिंग के लिए आपको हमेशा एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि जो आपका पेपर है, पहले आप उस पेपर को CBSE के द्वारा जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उससे आप अपना चेक कर लीजिए। ठीक है, और वो जो चेकिंग है वो मैं आपको दिखाऊँगा, कुछ इस टाइप का आपको सॉल्यूशन मिलता है। ये सॉल्यूशन मेरे पास सेट फर्स्ट का है, तो मैं इसे कोशिश करूँगा कि इसको अपलोड करूँ। और होता है कि मान लीजिए इसमें कुछ जो आंसर्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने वो आंसर्स लिखे हैं, अगर उनके अलावा भी कुछ अल्टरनेट आंसर हैं तो उनको भी मान्य कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो किन सोर्सेज के द्वारा एमिट आउट होती हैं, किन सोर्सेज के द्वारा निकलती हैं, ठीक है, या उनका प्रोडक्शन सोर्स क्या है। तो अब जैसे कि इनके सॉल्यूशन में हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब, जिन्होंने ये आंसर लिखा है तो उनका तो सही है, हो सकता है बच्चों के दिमाग में ये ना आया हो और बच्चों ने उसमें आंसर लिख दिया है सनलाइट, तो इसका मतलब सन भी एक सोर्स है, तो इस आंसर को भी चेक किया गया है। तो जितने भी एग्जामिनर होते हैं जब मॉक टेस्ट कर रहे होते हैं तो मॉक टेस्ट के दौरान वो जो है अल्टरनेट आंसर्स की भी बात कर लेते हैं और ये बात करनी ज़रूरी भी होती है।